दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका पेंडुलम रेडियो में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हम देखते हैं कि आप आरआरबी ने जो एनटीपीसी के प्रीवियस में जो क्वेश्चन पेपर बनाए थे आपके, उनमें जो क्वांट के क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन का आपका ये सीरीज चल रही है। इसमें हम देखते हैं कि आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए था एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने का, क्या तरीका होना चाहिए था कि जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में जो है अपने एग्ज़ाम में कर पाते और उनको सही सही अटेम्प्ट कर पाते। तो चलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपके लिए लाए हैं 29 मार्च 2016 का Shift 3 का पेपर और इसमें देखते हैं क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है कि कार बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कि कार बी जो है कार ए से दोगुना तेज है। इफ कार ए कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वट इज द स्पीड ऑफ कार बी, यानी कि ए अगर 90 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है तो कार बी की स्पीड आपसे पूछी गई है कितनी होगी। तो देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको, कह रहा है कि बी कार है और एक ए कार है, इनकी स्पीड का रेशो कितना है, 2:1 है, क्योंकि बी जो है ए से दुगनी तेज है। अब आपसे कहा गया कि ए जो है वो क्या करती है, 2 घंटे में कितना, 90 किलोमीटर जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 2 घंटे में 90 जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जाती होगी, 45, तो 45 किलोमीटर पर आर क्या होगी इसकी स्पीड। अब ये बी की स्पीड है यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 45 है, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, फिर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। वैसे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा था कि आपको दिख रहा था कि स्पीड जो है इसकी 2 टाइम्स है यानी कि 2 गुनी है। अब अगर 2 गुनी है तो आप देखोगे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, यानी कि ये किसी चीज़ को तय करने में ये 2 गुना समय लेगी। अगर ये 2 घंटे में 90 चल रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 घंटे में 90 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 90 हो जाती। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि टाइम डबल ले रही है तो स्पीड क्या होगी इसकी, सेम टू सेम, यानी कि जो 2 घंटे में कवर करेगी वो ये 1 घंटे में कवर कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या पूछा गया था इसमें कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7, यानी कि स्पीड एक्स वाई का दे दिया रेशियो आपको 5 और 7 का। वाई कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे में कितना, 420 किलोमीटर तय करती है, तो वट इज द स्पीड ऑफ एक्स, यानी कि सेम टू सेम जैसे पहला क्वेश्चन था सेम आपसे सेकेंड क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि एक्स वाई की आपको स्पीड दे दी गई है कितनी है, 5-7 का है, तो और ये जो वाई है ये 3 घंटे में कितना चल रही है, 420, तो इसकी स्पीड कितनी हो रही है भाई, 1 घंटे में जो चली गई दूरी होती है वो स्पीड होगी, तो 3 से काटोगे कितनी होगी, 140 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो 140 आपने निकाला है ये किसकी वैल्यू है, वाई की 7 यूनिट की वैल्यू है, तो कितना गुना है ये, 20 गुना है, तो एक्स की स्पीड निकालने के लिए भी कितना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी एक्स की आपकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या पूछा गया था कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट 10, 11, 9, 11 और 9 इज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय एन, एक्स आई होता है, आई कहाँ से कहाँ तक चलता है, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक चलता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये जो अंदर दिया होता है ये होता है आपका वेरिएंस, इसे बोलते हैं हम वेरिएंस, यानी कि एक तरीके से हिंदी में बोलें तो विचरण, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू में यहाँ ये वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका मीन, यानी कि एक तरीके से क्या है ये औसत, एक्स बार क्या होता है जो आपको आंकड़ा दिया होता है उसका औसत होता है। फिर आपको क्या करना है, एक्स आई यानी कि पर्टिकुलर संख्या में से ये एक्स जो आपके डाटा दिया होता है ये एक्स आई है, मतलब हर डाटा में से आपको मीन को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है और फिर उसका भी क्या निकालना है पूरे का आपको वो निकालना है औसत और फिर उसका आप अंडर रूट लेंगे तो आपका क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है, बस ये आपको स्टेप फॉलो करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए आपको डाटा दिया था 10, 11, 9, 11 और 9, ठीक है,
ये सिंपल सा। सबसे पहले तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूं या इनके मीन निकालूं तो कितना आएगा, आपको दिख रहा है 11, 9, 20, 11, 9, 20, 40 और 10, 50। 50 टोटल संख्याएं कितनी है, 5, तो 50/5, 10 क्या आ गया इसका मीन आ गया, यानी कि x बार की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई। अब हर बार संख्या में से मुझे x बार को घटाना है और उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो आप करते चले जाइए, 10 में से 10 घटाओगे 0 का वर्ग 0, 11 में से 10 घटाओगे 1 का वर्ग 1, 9 में से 10 माइनस 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 का वर्ग 1 और यहाँ भी माइनस 1 का वर्ग भी 1, यानी कि टोटल क्या आ गया आपके पास, 5 संख्याएं आ गई। अब इनका फिर से क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाई एन करना है, समेशन का मतलब है योग, यानी कि इन सब का योग करके आपको संख्या से डिवाइड करना है। तो इन सब का अगर मैं सम करता हूँ कितना आएगा, 4, और कितनी संख्या है, 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई किस चीज़ की, इस अंदर वाले पार्ट की। इस अंदर वाले पार्ट की जैसे ही वैल्यू आ गई, बस इसका क्या करना है आपको, अंडर रूट करना है। ये जो 4/5 आया, इसी को कहते हैं हम वेरिएंस, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस निकालने का भी यही तरीका है, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√5, क्योंकि 4 बाहर आएगा 2 और अंडर रूट 5 रह जाएगा, तो 2/√5 क्या आ गया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा था आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 5 अकर इन द रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि आपसे पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन बहुत, वैसे तो बहुत इजी है, बट आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि अगर ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो किस टाइप से आपको करना है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 1 से लेकर 100 तक पूछा गया है आपसे कि 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो आपको पता है 5 कहाँ कहाँ से आ सकता है, एक तो इकाई के स्थान पर आ सकता है यानी कि यूनिट डिजिट पर, और एक टेंथ प्लेस पे यानी कि दहाई के स्थान पे आ सकता है, क्योंकि 100 तक मेरी संख्या क्या है, इकाई और दहाई और सैकड़ा, ठीक है। अब 100 पे सैकड़ा हुई है, लेकिन इससे पहले जितनी भी संख्याएं होंगी इकाई और दहाई यानी कि यूनिट और टेंथ प्लेस पर ही होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5 देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर कितनी बार आता है, यानी कि इकाई के अंक पे कितनी बार आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी है कि कोई भी संख्या 1 से लेकर अगर 100 तक बात करते हैं तो वो इकाई के स्थान पे यानी कि यूनिट डिजिट पे कितनी, 10 बार आती है। तो 5 का भी अंक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, और वो कहाँ कहाँ आता है, एक तो 5 में आएगा, 15, 25, 35, इस तरीके से इकाई के स्थान पर आता है। अब आपको निकालना है टेंथ प्लेस पे, यानी कि 5 आपका टेंथ प्लेस पे कितनी बार होगा, यानी कि दहाई के स्थान पे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक अगर संख्या है तो उसमें कोई भी अंक जो है दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, 10 बार आता है, ठीक है। तो 10 बार आएगा, गिनने के लिए आप कह सकते हैं कि भाई 5 दहाई के स्थान पर आता है, 50 से लेकर 59 तक दहाई के स्थान पर रहेगा, 50 में दहाई के स्थान पर, 51 में है, तो इस तरीके से टोटल कितनी बार रहता है, 10 बार रहता है। तो टोटल आपके, क्योंकि 100 तक निकालने थे तो आपको पता लग गया कि 100 तक कितनी बार आएगा, टोटल 20 बार आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इसे जो है आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसे 5 से डिवाइड करके देखें कितनी बार जा रहा है आपका, आपका जा रहा है 20 बार, तो वो डायरेक्ट हो सकता था। लेकिन प्रॉपर मेथड यही है आपका कि हर एक संख्या जो है कितनी बार होती है, यूनिट डिजिट पे 10 बार और टेंथ प्लेस पे भी 1 से लेकर 100 तक 10 बार होती है। तो इस प्रोसेस को याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या पूछा गया इसमें कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 है, द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ वेजिटेबल कितना, 120 रुपीज़ है। तो आधा किलो सब्जी का मूल्य बताना है कितना होगा, यानी कि आधा किलो की कीमत बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है 2.5 किलो का मतलब क्या होता है, भाई 5/2, यानी कि 2 से ही 1/2 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 5/2, इसकी कीमत आपको दी है 120। तो आपसे पूछा है आधा किलो की कीमत क्या होगी, तो आपको पता है आधा कितना होता है, 1/2। तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 को आप इधर ले आइए, तो 5 यहाँ जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1/2, और इससे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रुपये। और ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसा पूछा गया है कि आधा किलो पूछा गया, तो मैंने इसको 2 को यहीं रख लिया और 5 को मैं इधर ले गया, और आपका आंसर आपके सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा था कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 42, यानी कि तीन लगातार सम संख्याएं उनका सम आपको दिया है कितना है 42, 42। फाइंड द मिडिल नंबर, आपसे बीच की संख्या पूछी गई है क्या होगा। तो देखिए जब भी कंसेक्यूटिव नंबर की बात आएगी तो आपको पता है कि यहाँ से मुझे ये पता रहता है कि उनके जो बीच की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उनका औसत कहलाती है। तो मैं यहाँ से अगर औसत निकालूं तो 42 कितनी संख्याओं का ये हो गया, तीन का, तो औसत कितना है क्या 14। तो ये क्या होगी, यही मेरी मिडिल टर्म हो जाती है, यानी कि बीच की संख्या हो जाती है और आपका आंसर आ गया 14। या फिर बेसिक प्रोसेस है, सम संख्याएं मानी है तो एक एक्स होगी, उससे अगली एक्स प्लस टू, फिर एक्स अगली एक्स प्लस फोर, फिर आप इनको सम करके यहाँ से इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे आप इसे 42 के बराबर, फिर x की वैल्यू निकालेंगे और बीच वाली टर्म क्या है x प्लस टू है, इसका मान आप देखेंगे, ये आपका बेसिक होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बीच वाली टर्म क्या होती है, हमारा औसत होती है जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपसे कहा गया है कि सॉल्व x प्लस टू वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई, तो बिल्कुल बेसिक सा मल्टीप्लाई करनी थी आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि x प्लस टू वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता और ऑप्शन में देख के मुझे यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2y की मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर आएगा, और मुझे ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मैं तो सीधा ऑप्शन बी लगाता और अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाता। लेकिन आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर, एक्स की करेंगे वाई में तो माइनस एक्स वाई, 2y और 2x कितना हो जाएगा प्लस के 4xy और माइनस का 2y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3xy और यहाँ पे 2x स्क्वायर और फिर आपका माइनस का 2y स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन से भी देख लीजिए कि आपको दिखते ही पता चल रहा है कि आंसर आपका आ सकता है, तो ऑप्शन से करें और अदरवाइज नहीं तो सॉल्यूशन आपके पास है ही करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया इसमें कि इन आंकड़ों, जो आपको ये आंकड़े दिए गए हैं, सेट दिया गया डाटा का माध्य तथा बहुलक क्या है, यानी कि आपसे मीन भी पूछा गया है और आपसे मोड भी पूछा गया क्या होगा। तो देखिए दोनों चीज़ आपसे पूछ ली गई हैं, एक डाटा सेट दे दिया गया 1 9 5 4 2 1 9 9 2, फिर है आपका 1 9 1 2 और 1, ये आपका आपको डाटा सेट दिया गया है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप जो चीज़ सिंपल है मोड निकाल सकते हैं। तो मोड क्या होता है, जो भी संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिखाई देगा वही क्या होगा, इस डाटा सेट का मोड होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगा, या तो 9 दिखाई दे रहा है या फिर 1। तो 9 तो आपका कितनी है 4 बार है, और जबकि 1 क्या है आपका 5 बार है। तो इसका मोड तो हो गया, बहुलक कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा डाटा सेट है, आप इसे वैसे भी ऐड करके बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि 9 हमारा कितनी बार आया था 4 बार, 1 कितनी बार आया था आपका 5 बार, तो 4 9 और 4 1 मिला के कितने हो गए 40, 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी टोटल अब तक 50। फिर उसके बाद सिर्फ 2 देखने कितने बचे, 1 2 और 3, यानी कि कितने हो गए 56 हो गया, टोटल आपका हो गया 56। अब संख्याएं कितनी हैं टोटल ये काउंट करना है आपको, तो 4 तो ये थे, 5 9 9 और 2 11 और आपके 3 2 थे यानी कि 14, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 4। तो ये क्या हो गया आपका मीन आ गया, यानी कि औसत आपका आ गया कितना है इनका 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं आप उनमें बेसिक मेथड से भी अप्लाई करके बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया इसमें कि द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan theta cot theta minus tan square theta इज, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपको अगर प्रॉपर्टीज याद हैं तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। sec स्क्वायर थीटा है प्लस 2 tan theta और cot theta है और माइनस क्या है आपका 10 square theta है,
ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 इंटू कोट है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होता है 1/10, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है प्रॉपर्टी होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ इन दोनों से 1 और ये हो गया प्लस 2, तो कितना हो गया टोटल वैल्यू 3। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना था, बस देखते ही आंसर देखना था कि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है कि 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती हैं, यानी कि 9 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 50 डेज। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, यानी कि 6 को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया है हमने, इंक्रीज कर दिया है वुमेन की संख्या को, तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा होगा, यानी कि अब कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको MDH फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कि 9 औरतें किसी काम को कितने दिन में 50 दिन में पूरा करती हैं, तो M1 × D1 इक्वल टू M2 × D2। अब 6 बढ़ा दी गई हैं तो कितनी होगी टोटल 15, कितने दिन में कर सकती हैं, एक्स दिन में मान लो पूरा करेंगे, तो यहाँ से आप करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 10 = 10, तो यानी कि कितने दिन में पूरा कर देंगी, 30 दिन में पूरा कर देंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया कितने दिन पहले ख़त्म होगा, तो 50 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 30 दिन में, तो कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, तो 20 दिन पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 20 दिन। तो जल्दबाजी में ऐसा ना करें क्वेश्चन में कि सिर्फ आप क्वेश्चन पूरा ना पढ़ें और आप आधा ही क्वेश्चन पढ़ के और अपना आंसर 30 लगा के आ जाएं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर कितना होगा 20 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा गया इसमें कि इफ़ 4x + 5y = 14 एंड x - 5y = 16 देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है, 2 लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन 1 क्या है 4x + 5y = 14 और दूसरी है x - 5y = 16। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि y की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं इनको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आपका 5x = कितना आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो इसे कहीं सी में भी रख दो, इसमें रख दूँ तो 6 - 5y कितना हो जाएगा, 6 - 5y = 16, तो 5y = क्या हो जाएगा 16, इधर जाएगा 16 - 6 यानी कि 10, और माइनस है तो y की वैल्यू हो जाएगी -10/5 यानी कि -2, तो 2 आंसर आ गए आपके, 1 तो 6 और 1 - 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इक्वेशन आपको बस सॉल्व करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया इसमें कि यू हैव 20 big and 16 small diaries एंड वांट टू मेक गिफ्ट पैक कंटेनिंग बोथ इन ईच पैक, यानी कि आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरी हैं, तो उन्हें आपको एक गिफ्ट पैक में पैक करना है और आपका क्या है ऐसा पैक बनाना है आपको जिसमें कोई भी शेष ना बचे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट पैक यू कैन मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, यानी कि कितने बना सकते हैं अधिक से अधिक कि कोई भी शेष ना बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि आपको इनका क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है एक संख्या 20 है एक 16 है, तो इनका HCF क्या होगा, आपको सामने से दिख रहा है कि ऐसी संख्या जिससे दोनों कट सकें बड़ी से बड़ी, तो ऐसी संख्या 4 ही है आपके पास जिससे दोनों कट सकती हैं। अदरवाइज आपको पता है मेथड बताया कि दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और क्या आएगा 20 में 16 गया 4, अगर 4 से दोनों कट रही हैं तो इनका 4 क्या हो जाएगा HCF, और वही दोनों से कट रही हैं तो इसका 4 क्या हो गया HCF, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 4 पैक बना सकते हैं हम गिफ्ट पैक जिसमें सारी की सारी पैक हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ L ratio M = 3:5, यानी कि L और M का अनुपात है और साथ में दिया एंड M ratio N = 2:3, देन N ratio L आपसे पूछा गया क्या होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, आपको दिया गया L/M की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5 है, और M/N की वैल्यू भी आपको दी गई है कितनी है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितनी है आपके पास 2/3, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ M से M कट गया, तो L और N का अनुपात आपको मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है N और L का, तो N पहले लिख लीजिए कितना है 5,
और एल बाद में लिख लीजिए, क्या है दो, यही आपका क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। क्योंकि डायरेक्ट करना होता है, जिसमें बाद वाली और पहली वाली संख्या का अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आपके सामने, या तीनों का रेशियो निकाल लो तब भी आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा गया कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। आगे क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 फल बिक गए, यानी कि आपके सेब कितने बिके हैं 1/2, आम कितने बिके हैं 1/3 और आपके संतरे कितने बिके हैं 1/4, तो आपको बताना है कुल कितने फल बाकी रह गए, यानी कि शेष बताने हैं आपको कितने होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब शेष पूछा गया है तो हम शेष ही निकालेंगे सीधा डायरेक्ट। 10 दर्जन का क्या मतलब है भाई, 10 × 12, 15 दर्जन का मतलब 15 × 12 और बाकी 20 दर्जन का मतलब 20 × 12। अब आपको पता है कि जो आपके पहला फल है सेब, सेब में से कितना बिक गया 1/2 बिक गया, तो रह कितना जाएगा आधा बिक गया, तो आधा ही तो बचेगा, तो इसमें बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं सीधा डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ, शेष बचे हुए फल निकाल रहा हूँ कितने होंगे। अब आपको पता है कि जो आपके 15 दर्जन क्या थे, आम थे, उसमें से क्या हुआ 1/3 बिक गए हैं। अगर 1/3 बिक गए हैं मतलब क्या है, 3 में से 1 बिक गया, तो बचे कितने 2, कितने में से 3 में से, तो बस इसे 2/3 से गुणा कर लीजिए। ऐसे ही आगे क्या करना है आपको, 20 दर्जन संतरे जो हैं उसमें से 1/4 बिक गया, यानी कि 4 में से 1 बिक गया, तो बचे कितने 3, कितने में से 4 में से, तो इसे 3/4 से गुणा कर लीजिए। बस डायरेक्ट करना है, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 × 2 = 18, ये 180 और आपका यहाँ से हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 15 × 8 = 120 और यहाँ से 2 × 6 = 12 यानी कि 60। टोटल देखिए 120, 180 300 और 60 360, यानी कि डायरेक्ट निकल गए आपके कितने 360 शेष रह गए आपके फल। तो मैंने सीधा शेष निकाल लिया, मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले मैं बिकी हुई वैल्यू निकालूं कि कितने बिक गए मेरे, उसके बाद मैं उसे टोटल में से घटाऊं, तो ऐसा ना करके आप डायरेक्ट शेष निकाल लीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा गया है इसमें आपसे कि द वैल्यू ऑफ 10 − 405 डिग्री, यानी कि आपसे 10 की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। तो इसकी नॉलेज आपको सभी को होनी चाहिए कि अगर आपको दिया होता है कि 10 − θ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है −10θ। अगर नहीं है तो पता कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जैसे cos − θ को हम क्या लिख सकते हैं, cos θ यानी कि प्लस में लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सभी वैल्यूज़ की जो है मान पता होना चाहिए क्या होगा। तो अब 10 − 405 डिग्री है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं। और ये आपको पता है ये कितना है 360 + 45 डिग्री है। तो 10 + 360 + 45 क्या होगा, 360 पे चेंज नहीं होती है वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं इसे 10 − 45 डिग्री और बाहर माइनस आएगा। और 10 − 45 की वैल्यू आप सभी को पता है −1 होती है, तो आंसर आ गया इसका −1, यानी कि माइनस ये बाहर है, 10 − 45 की वैल्यू 1 हो गई आपकी, तो इसका आंसर हो गया −1। तो बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू प्लस में आती है और किसकी माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 360 एंड 450, यानी कि इनका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है दोनों संख्याओं का, महत्तम समापवर्तक। तो आपको मैंने प्रोसेस बताया हुआ है निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का अंतर देख लो कितना है, 90 है। अगर 90 से दोनों संख्या कट गई तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 90। तो 90 से 360 भी कटता है और 450 भी कटता है, तो यही क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं आप इसे, यही आपका मैस है। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया था, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, यानी कि एक निश्चित धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू आरएस 2000, यानी कि साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपये है, इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि 2 साल में 10% की रेट से 2000 सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है। वट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम इज कंपाउंडेड ऑन एनुअल बेसिस, यानी कि आपसे पूछा गया कि अगर यही धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती तो आपको ब्याज
जहाज़ों का अंतर बताना है कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन तो है, वैसे लैंग्वेज के हिसाब से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आपको पता है कि बात कितने साल की हो रही है, 2 साल की हो रही है, 2 साल के लिए हो रही है, और रेट आपको दी हुई है 10%। तो आपको पता है साधारण ब्याज हर साल क्या रहेगा आपका, 10-10% ही चलता रहेगा। तो भाई 2 साल में अगर मैं देखूँ तो टोटल मेरा ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 20% मिलेगा, 2×10, तो 2 साल में मेरा साधारण ब्याज कितना हो गया, 20%। और अगर मैं आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछूं कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर 10% है तो इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, 21% हो जाता है। कैसे, आपको पता है 10+10 और +10×10/100, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, 10 और 10, 20 और 1, 21, ये आपको मैंने बताया था, ±x ±y और xy/100, ये क्या हो जाता है आपका, जो आपका 2 डिस्काउंट के लिए या 2 आपके सक्सेसिव के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, वही आपका चक्रवर्ती ब्याज का जो है रेट निकालने के लिए आप लगा सकते हैं 2 वर्ष का। तो 21% आपका क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका, कि अगर चक्रवर्ती ब्याज पर लगाते हो तो 21% रेट मिलेगा। अब आपको इसकी वैल्यू दी गई है 2000 रुपये, क्योंकि आपको दिया गया है कि साधारण ब्याज जो है आपका कितना है, 2000 रुपये। भाई 20% की वैल्यू आपकी 2000 रुपये है, आपसे पूछा गया है ब्याज में अंतर, तो बताओ भाई ब्याज का अंतर क्या होगा, जो इनके जो आपका जो रेट का अंतर है वही आपका ब्याज का अंतर होगा, क्योंकि इसमें 20% मिल रहा है, इसमें 21, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1%। तो इस 1% की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होगी, भाई 20% की वैल्यू 2000 कितना गुणा है, 100 गुणा, तो इसे भी 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। और ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, कि आपका अंतर कितना होगा, 100 रुपये का आपका सिंपल सा अंतर होगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर करने पे आओ कि ताकि तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया है कि राम लेंट ₹6000 टू शिवा फॉर 3 ईयर्स, यानी कि राम जो है ₹6000 शिवा को देता है, कितने के लिए, 3 साल के लिए, एंड ₹8000 टू कृष्णा फॉर 5 ईयर्स, और कृष्णा को देता है 8000 5 साल के लिए। आगे कह रहा है कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि समान साधारण ब्याज की दर पर देता है, ही गोट अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹5220 फ्रॉम बोथ, यानी कि दोनों से कुल मिलाकर कितनी ब्याज मिल रहा है उसे, ₹5220। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बस आपको जो है समझना है कि कहना क्या चाह रहा है आपसे। आपको टोटल यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे दिया गया, कितना है भाई, ₹5220 टोटल इंटरेस्ट है आपका। अब एक को तो क्या कर रहा है, ₹6000 उधार दे रहा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और एक को क्या कर रहा है, ₹8000 दे रहा है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब ये बताइए जब दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं इन दोनों की जो है धनराशि का अनुपात देख लेता हूँ क्या होगा, और वही क्या होगा आपका ब्याज का अनुपात। यानी कि आपको पता है कि अगर मैं इनके साधारण ब्याज का अनुपात देखूँ तो क्या होगा भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आपको पता है कि आर दोनों की सेम है तो आर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 100 आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या कि 6000 × 3 वर्ष और 8000 × 5 वर्ष। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा किसका, साधारण ब्याज का। तो देखो कितना आता है, 2×3=6 और 2×4=8, यानी कि आ गया 9:20, यानी कि ये क्या हो गया, इनके साधारण ब्याज का अनुपात हो गया कि इससे मुझे 9 यूनिट ब्याज मिलेगा, इससे मुझे 20 यूनिट ब्याज मिलेगा, और टोटल देखो तो कितना यूनिट, 29 यूनिट ब्याज मिल रहा है। और इस 29 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी कितनी, ₹5222। तो बस कुछ नहीं आपको निकालना है ये इसका कितना गुना होगा, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 29 एकम 29, बच गया कितना आपका 30 और 22 23 बच गया, हो गया ये 232, और 29 अगर 8 करते हो, 8×9=72, 8×2=16, बिल्कुल कट रहा है, तो कितना आ गया, 180, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 180 गुना है। तो अब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोई भी एक यहाँ से ब्याज, कि किस पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है, 9 यूनिट ब्याज मिल रहा है, किस पे, 6000 पे, कितने साल में मिल रहा है भाई, 3 साल में मिल रहा है। तो बताओ एक साल में कितना यूनिट ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे 3 से डिवाइड कर लो, यानी कि 3 यूनिट ब्याज मिलेगा एक साल में, और 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 180 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 18
5,540 रुपये, यानी कि एक मेरा ब्याज आ गया यहाँ से कि 6,000 पर एक साल में मुझे 540 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो ब्याज रेट बहुत आसान हो गए निकालने के लिए, इसको आप मूलधन से डिवाइड कर दीजिए और गुणा 100, यही क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा 10 से 10 और 6×9=54, यानी क्या आ गया आपका 9% आपकी ब्याज दर आ गई। तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी था, इसी से जो है आप इसे बहुत जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा गया है कि द बार चार्ट रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट S1, S2, S3 and S4 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि 4 छात्र हैं आपके पास S1, S2, S3 और S4, इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो ये क्या है आपका DI का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कंसिडर द बार चार्ट एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यानी कि इस पर आधारित आपको प्रश्नों का जवाब देना है। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बार चार्ट को तभी पढ़ेंगे जो चीज़ पूछी गई होगी उसी का हम जवाब देखेंगे क्या होगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन केमिस्ट्री टू दैट ऑफ फिजिक्स इन परसेंटेज, यानी कि केमिस्ट्री के मार्क्स बताने हैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में कितने हैं आपके सभी छात्रों के टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केमिस्ट्री के मार्क्स निकालने पड़ेंगे टोटल, और साथ में आपको फिजिक्स के भी निकालने पड़ेंगे टोटल कितने हो जाएंगे। तो देखिए टोटल करते हैं, ब्लैक वाले फिजिक्स के हैं और हल्के कलर वाले आपके केमिस्ट्री के हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं, 85 कितना हो गया 170, और उसके बाद फिर 55 है तो कितना हो गया 7×5=12, यानी कि आपका हो गया 225, और 225 में अगर आप ऐड करते हैं 80 तो कितना हो जाएगा भाई 305, यानी कि केमिस्ट्री आ गया आपका 305। उसके बाद फिजिक्स देख लीजिए कितना है, फिजिक्स में पहले है आपका 5×5=10, इकाई के अंक ले लेते हैं, और 5×15 यानी कि 15 तो टोटल ये हो गए आपके, और 5 उधर भी है 20 हो गए, यानी कि टोटल हो गए 20। उसके बाद 9×6=15, 15×7 आपका 22, 22×7 हो गया 29, 29 और 20 कितना हो जाएगा 310, यानी कि फिजिक्स के हो गए आपके टोटल 310। तो फिजिक्स के रेस्पेक्ट में आपको बताना है केमिस्ट्री के कितना परसेंटेज है मार्क्स। तो 305/310 और गुणा 100, यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 10 से 10 ये आ गया आपका 3,050/31। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 31 है ये 30 है, तो पूरा 305 लेना पड़ेगा। अगर पूरा 10 बार चलाओगे तो 310 होगा, यानी कि 9 बार टेबल चलेगा, तो कितना आ जाएगा 9×9=27, तो 279 आ गया आपका। कितना बच जाएगा भाई, 20 यहाँ से बचेंगे और 5 ये और 1 6, 26 बचेगा, हो गया आपका 260। तो 260 को फिर 31 से डिवाइड करोगे तो देखो अगर 6 बार चलाओगे तो 6×3=18, 186, और 8 बार चलाते हैं 8×3=24, 240 समथिंग आ रहा है, और अगर 9 बार चलाओगे तो 270 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 बार जा सकता है, तो 98 point something आएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है 98% का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपसे अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है तो जो कि है आपकी 98%। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो लैंग्वेज दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स के टोटल मार्क्स आपको निकालने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा गया है, दोबारा इसी पे बेस्ड आपका DI पे बेस्ड है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट ओबटेन बाई S2 टू दैट ऑफ S4, यानी कि S2 ने कितने प्राप्त किए हैं S4 के मुकाबले में, इनका रेशियो आपको निकालना है क्या होगा। तो आपको निकालना है S2/S4, तो S2 के कितने हैं भाई टोटल देख लीजिए कितना होगा, एक तो 65 है और एक कितना है 85 है, तो 8×6=14 और 10=150, यानी कि इसके हैं 150 S2 के, और S4 के देख लीजिए कितने हैं, S4 के हो जाएंगे 75 और आपके 80, यानी कि 155, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 30 और ये आ जाएगा 31, तो कितना आ गया 30/31, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन कहता है बिल्कुल वैसा करिए, सिंपल तरीके से आप जो है अपने आंसर को पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन फिजिक्स ऑफ S3 टू दैट ऑफ S1, यानी कि S3 और S1 का आपको रेशियो निकालना है, तो आपका S3 ऊपर आएगा और S1 नीचे आएगा, और फिजिक्स का निकालना है हमें सिर्फ क्योंकि फिजिक्स का ही हमसे पूछा गया है। तो S3 के अगर फिजिक्स में देखो कितने हैं भाई 75 मार्क्स हैं, और S1 के कितने हैं फिजिक्स में 95 हैं, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा
15 और ये कटेगा 19 × 95 यानी कि कितना आ गया 15/19। और आपका ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस लैंग्वेज को देखना है आपको, लैंग्वेज में पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्या पूछा गया इसमें कि p प्लस q इक्वल टू 2p - q इफ़ q इक्वल टू 10 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, यानी कि आपसे p की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। और आपको एक कंडीशन आपको यहाँ पे दी गई है, और ये कंडीशन क्या है आपकी, p प्लस q इक्वल टू 2 ब्रैकेट खोल देते हैं 2p - 2q आपको दिया हुआ है। तो q इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3q इक्वल टू p इधर जाएगा तो कितना बचेगा p, तो p की वैल्यू 3q के बराबर है और q बराबर 10 दिया है तो q 10 जैसे रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 आ जाएगी, ये आपका आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया था आपसे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 3√2 यूनिट्स, यानी कि आपसे उसका वर्ग का क्या क्षेत्रफल पूछा गया और आपको विकर्ण की वैल्यू दी गई थी 13√3। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 और यहाँ पर डायगोनल का स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा आपके वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 1/2 और यहाँ पर क्या है 13√2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 13 × 13 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 से 2 कट गया और 13 × 13 कितना होता है 169। ये क्या आ गया आपका स्क्वायर यूनिट आपकी जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी आपसे क्योंकि क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया था आपसे कि 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य आपको दिया है 300 रुपये, यानी कि उनका कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये है 2.5 आपके डजन्स का। तो प्रत्येक सेब को ₹15 में बेचा गया, यानी कि हर एक का सेलिंग प्राइस क्या हो गया ₹15 हो गया सेब का, तो लाभ प्रतिशत कितना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखिए 2.5 दर्जन का मतलब क्या हो गया 30, 2.5 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 तो 2.5 में कितने हो जाएंगे 30, 30 दर्जन जो सेब हैं आपकी इनकी कीमत आपको 300 रुपये दी है। तो भाई एक की कीमत कितनी हो गई, यहाँ से पता चल गया 10 रुपये, और आप बेच कितने में रहे हो 15 रुपये में, कितने का प्रॉफिट ले रहे हो भाई 5 रुपये का। और प्रॉफिट हमेशा किस पे लिया जाता है, क्रय मूल्य पे 10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100, यानी कि सीधा सीधा आपको पता चल गया यहाँ से क्या है आपका 50% का पूरा प्रॉफिट है आपको अगर सेब आप 15 रुपये में बेचते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या पूछा गया उसमें। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इन सब में से आपको बताना है कि कौन सी जो भिन्न है वो सबसे छोटी होगी। तो आपको भिन्न क्या क्या दी गई है वो लिख लेते हैं पहले, 6/5 है आपके पास, 4/3 है, 3/2 है और 5/4 है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड इजी बनाने के लिए क्या कीजिए आप, इसे 60, 40, 30 और 50 कर लीजिए। तो 5 से काटोगे तो 12 हो गया, 3 से काटोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से काटोगे 15, 4 से काटोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है, कौन सी भिन्न ऐसी है, ये आपको दिख रही है क्या है, ये 12 है, बाकी सब क्या है 12 से ज़्यादा है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपकी 6/5, और ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसा क्वेश्चन होता है आप उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इजी से आपके फ्रैक्शन थे बहुत, तो आपने डायरेक्ट उनको डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया था आपसे कि इफ़ अ पर्सन हैज सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ RS फॉर RS 1300, यानी कि 1300 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि और 30% का लाभ क्या कमाता है उसको 1300 रुपये में बेचने पर। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है कितनी होगी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कंसेप्ट क्या, सीधा सीधा 30% की वैल्यू क्या है 3/10 होती है, यानी कि 10 की चीज़ को 3 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है 13 में, 13 की वैल्यू 1300 है, कितना गुणा है भाई 100 गुणा है, तो ये आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, बस 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना आ गया 1000 रुपये आपका सीधा सीधा आंसर। तो देखिए वैसे जहाँ सिंपल सी आपको परसेंटेज दी होती हैं तो वहाँ क्या किया कीजिए कि भाई 30% दिया था, मतलब 100% की चीज़ को कितने में 130% में बेच रहा था और इसकी वैल्यू 1300 थी, तो आप कह सकते थे यहाँ से सीधा सीधा कितना गुणा है 10 गुणा है,
तो 100% आपका वस्तु का क्रय मूल्य था, तो 100% में 10 की गुणा करनी थी, कितना आ जाता, 1000 रुपये। और ये सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन था जिसे आप बिना कॉपी पेन के मेंटली सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा गया इसमें कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन ₹480 में खरीदे, यानी कि 2 दर्जन का मतलब आपके 24 पेन 480 में खरीदता है, तो 4 पेन के पैकेट के हिसाब से ₹100 में प्रति पैकेट बेचा, यानी कि ₹100 में 4 पेन वाला एक पैकेट जो है वो बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है कि 2 दर्जन का मतलब क्या है भाई, 24 आपके पेन हैं कितने में, 480 रुपये में। तो एक पेन की कीमत यहाँ से आपको दिख रही है कि 20 रुपये है, यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है। आपसे कह रहा है कि 4 पेन का पैकेट बनाया, एक 4 पेन का, उसे 100 रुपये में बेचा, यानी कि 4 पेन को 100 रुपये में बेच रही है, तो एक पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपये। अब यहाँ से दिख रहा है कि 20 की चीज़ कितने में बेच रहे हो, 25 में बेच रहे हो, कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, 5 रुपये ज़्यादा में, और किस पे, आपके क्रय मूल्य पे 20 रुपये पे। तो 5 रुपये क्या है आपका लाभ, और 20 रुपये पे लाभ है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 25% आपका क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसे करते चले जाइए और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, एक डाटा आपको दिया गया है और इसमें आपसे रेंज पूछी गई है, मतलब परास, और परास आपको पता है रेंज क्या होती है, रेंज होती है किसी भी संख्या की भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उसकी रेंज होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेंज होती है, यानी कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। तो बस आपको इसमें यही निकालना था कि जो इस डाटा में मिनिमम वैल्यू है और जो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू है उनका आपको डिफरेंस देखना था कितना होगा, वही आपकी रेंज होती है। तो मिनिमम वैल्यू अगर देखो कितनी है सेट में, 9 है, और मैक्सिमम अगर देखो तो कितनी है, 19 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना था क्या है, 10, और यही है आपकी रेंज यानी के परास। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी अगर आपको डाटा सेट दिया है बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है आपसे कि एक्सपेंड s+2 का होल क्यूब, यानी कि आपसे सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया कि भाई फॉर्मूला क्या होगा और उसे इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। तो आप सभी को पता है कि a+b का अगर होल क्यूब होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a³ + b³ और +3a²b + 3b²a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, s+2 यहाँ पे दिया गया है तो s+2 का क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो s का क्यूब और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 +3a²b यानी कि s² और 3 आपका है ही और b कितना है, 2, तो 6 3 × 6 s² और प्लस कितना हो जाएगा, 3b² है यानी कि b का स्क्वायर करोगे 4 × 3 = 12s, ये आपका इसका फॉर्मूला खुल जाएगा और जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया आपसे कि विक्रम एंड विवेक कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज, यानी कि 50 दिनों में विवेक और विक्रम किसी काम को खत्म कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन लेफ्ट, यानी कि 20 दिन तक काम किया दोनों ने और फिर छोड़ के चले गए। तो हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाई देम, यानी कि उनसे पूछा गया कि कितना काम का हिस्सा उन्होंने पूरा किया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, आपको ये पता है कि 50 डेज में इन्होंने काम पूरा किया है, तो 50 दिन में काम पूरा हुआ और 20 दिन काम किया है। तो अब इसे क्या मान लो भाई, मान लो 50 दिन में ये कितना काम करते हैं, 50 काम करते थे, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम करेंगे। तो भाई इन्होंने काम कितने दिन किया, 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन में काम कितना हुआ होगा, 20 काम हुआ होगा, और कुल काम कितना था आपका, 50 काम था आपका कुल। तो आपसे पूछा होगा हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, यानी कि उनके द्वारा किया गया काम पूछा है, ना कि बचा हुआ काम। तो किया हुआ काम क्या है, 20 काम, टोटल काम था आपका 50 काम। तो बस यही निकालना था आपको, क्या है आंसर आपका, 2/5
5 और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता आपका करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पूछा होता कितना काम बचा है तो मैं कह देता कि 20 दिन में 20 काम हो चुका है, 50 काम करना था तो 30 बचा है, 30/50 मेरा आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या है, आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको ए की वैल्यू बतानी है। ए क्या है, यहाँ पे एक एंगल है तो उसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं, एक छोटा सा कैसा फिगर है इसका, ये आपका फिगर है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे है, थोड़ा सा तिरछा है ये, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ पे है और ये यहाँ से यहाँ पे है और ये यहाँ पे है और साथ में आपका ये भी यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है कितना होगा, यानी कि ये वाला ए एंगल आपसे पूछा गया है कितना होगा। और देखिए आपको एंगल दिए गए हैं, ये वाला है 75 और ये भी है आपका 75। अब देखिए यहाँ से ये 40 है भाई, ये 40 डिग्री है। अब बहुत ही बेसिक सा था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप लोग अपना तो आपको पता ही है क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये भी कितना होगा 75 का होगा, ये कितने का होगा 40 का होगा। जब ये 75 और ये 40 का हो गया तो आपको ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ए, ये क्या है इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल मतलब बाह्य कोण है और ये पता है आपको दो सामने वाले विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो 75 और 40 कितना हो जाएगा 115, यानी कि इस ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से मुझे पता चल गया 115 डिग्री और ये क्या हो जाता मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो देखते ही जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है आपको कि भाई ये हो सकता है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया ये 75 है ये 40 है आपका, तो ये एक क्या बन रहा है आपका ट्रायंगल बन रहा है बीच में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 115 ये हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई, ये वाला बचेगा आपका 65 डिग्री। ये जब ये 65 बचा है तो आप कह सकते हैं ये पूरा एंगल कितना होगा 180, ये वाला 65 है तो बचा हुआ कितना होगा 115, तब भी आपका क्या है आंसर 115 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा गया इसमें कि एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर स्थित है, यानी कि अगर मैं इसे फिगर में समझाना चाहूँ कि एक 18 फीट का खंभा है आपका, इसकी हाइट कितनी है 18 फीट और क्या है एक आपका पेड़ है 6 फीट ऊंचा, यानी कि ये आपका कितना है 6 फीट ऊंचा आपका पेड़ हो गया, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ये 10 फीट की दूरी पर स्थित है, यानी कि इनके बीच की दूरी आपको दे दी गई 10 फीट, ठीक है। आपसे पूछा आगे कि पेड़ की परछाई की लंबाई बताइए, पेड़ की परछाई की लंबाई क्या होगी, तो पेड़ की परछाई की लंबाई कैसे पता चलेगी भाई आपका सूरज किधर होगा, यहाँ पे होगा, तो यानी कि जो परछाई पड़ेगी इसकी इधर पड़ेगी और इसकी इधर पड़ेगी, तो आप कह सकते हो कि आपसे सिंपल सी बात ये पूछा गया है कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपके डिस्टेंस पूछी गई भाई, इधर सूरज है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, तो आपसे पूछा गया ये कितनी दूरी तक इसकी परछाई जाएगी। तो देखिए आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल हो गए, यानी कि समरूप त्रिभुज हो गए, जैसा ये है ऐसा ये है, क्योंकि इसका ये एंगल आपका एंगल कॉमन हो गया दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इनका जो रेशो होगा इस वाली भुजा का और इसका कितना है, ये 6 फीट है और डिवाइड बाई एक्स है, ये किसके बराबर होगा इस वाली भुजा के और इस टोटल भुजा के बराबर, तो ये कितनी है पूरी 18 है और ये टोटल कितनी हो जाएगी 10 और प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस एक्स हो जाएगी, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्या है थीटा एंगल हो गया आपका, तो थीटा लगा लीजिए, यहाँ से आप क्या लगाएंगे 10 थीटा लगाएंगे, तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे फिर छोटे वाले में, तो 10 थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो एक से तो आएगी 6/x और एक से आएगी 18/10 प्लस एक्स, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो हमने सीधा डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और प्लस 6x बराबर किसके होगा 18x के, तो एक्स इधर जाएगा कितना बचेगा भाई 12x बराबर 60, तो एक्स बराबर आ गया आपका 5, तो यानी कि 5 फीट क्या होगी इसकी परछाई की हाइट, परछाई की लंबाई होगी, यानी कि जो पेड़ है आपका 6 फीट का इसकी परछाई कितनी होगी 5 फीट। तो इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए होंगे, जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के सेट में आया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ
कुछ ना कुछ नया आज सीखने को मिला होगा आपको। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जल्द ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पेंडुलम एडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली अपडेट मिलती रहे कि कब हमारा अगला सेशन आने वाला है, या कोई भी अगर अपडेट आता है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जिसमें देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन कि उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।